नमस्कार दोस्तों, तो डायरेक्टर प्रभु देवा के निर्देशन में बनी फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज हुए एक महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, इस फिल्म को अभी हाल ही में 11 जून को महाराष्ट्र के दो सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई को जहाँ 13 मई को OTT साथ ही साथ ओवरसीज मार्केट में रिलीज किया गया था, तो उस वक्त भारत में लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म को सिर्फ त्रिपुरा के 3 सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया था, जहां से इस फिल्म ने 63 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। तो वहीं उसके बाद रिलीज के एक महीने बाद इस फिल्म को 11 जून को मालेगांव और औरंगाबाद के एक एक सिनेमाघर में रिलीज किया गया, जहां इस फिल्म के मात्र 2 शोज चलाए जा रहे थे। और 2 शोज दिन के होने के बावजूद भी फिल्म ने 1 लाख रुपए कलेक्शन का आंकड़ा इंडियन बॉक्स ऑफिस पे पार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि फिल्म ने जहाँ पहले त्रिपुरा से कलेक्शन किया था 63,248 रुपए, तो वहीं अभी हाल ही में 11 जून को महाराष्ट्र में 2 सिनेमाघरों में रिलीज होकर सिर्फ महाराष्ट्र के 2 सिनेमाघरों से ही लगभग 42,000 रुपए का बिजनेस किया है। यानी ग्रैंड टोटल अब तक की बात करें तो त्रिपुरा और महाराष्ट्र का मिलाकर जो टोटल ग्रैंड कलेक्शन बनता है वो हो जाता है 1,04,407 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रिलीज के एक महीने बाद मात्र 2 सिनेमाघरों में 2 शोज चलने के बावजूद भी इस फिल्म ने 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। भले ही दोस्तों फिल्म के कलेक्शन के लिहाज से आपको ये 1 लाख रुपए काफी ज्यादा कम लगे, लेकिन एक महीने बाद भी लोग इस फिल्म को देखने अभी भी सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं, यही अपने आप में काफी बड़ी बात है। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले कि फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे कि ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। वहीं ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, जहां से फिल्म ने लगभग 20 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं OTT पे इस फिल्म को Z5 और Zplex पे रिलीज किया गया था, जहां इस फिल्म ने 249 पे पर व्यू के हिसाब से अपने पहले दिन 4.2 मिलियन से ज्यादा की व्यूअरशिप हासिल करके 104 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। तो वहीं दोस्तों, इंडिया में भी इस फिल्म का जो टोटल इंडिया कलेक्शन है वो 1,04,407 रुपए का हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों का इस फिल्म के इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर क्या कहना है? साथ ही आपने फिल्म राधे देखी थी और आपको कैसी लगी थी, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहां हम आपको देते रहते हैं फिल्मी दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम लेटेस्ट छोटी बड़ी सारी अपडेट्स।